नमस्कार, मैं रवि कुमार मीणा और आप देख रहे हैं दैनिक भरोसा। हम पहुंचे हैं हुड्डा ग्राउंड में, जहां फन फेयर मेला लगा हुआ है रेवाड़ी का। यहां दर्शकों के मनोरंजन के लिए झूले लगाए गए हैं, खाने पीने के लिए अलग अलग स्टॉल लगाई गई हैं, शॉपिंग के लिए अलग अलग स्टॉल लगाई गई हैं। आखिर इस तरह के मेलों का क्या महत्व होता है और इन मेलों में जो आने वाले दर्शक हैं उनको यहाँ क्या क्या परोसा जाता है, हमारे साथ यहाँ जो इस मेले के प्रबंधन कमेटी में है उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ क्या क्या सुविधा है। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम अजीत है सर। अजीत जी, किस तरह का ये मेला है और किस किस तरह का प्रबंधन यहाँ किया गया? तरह तरह के झूले लगाए हुए हैं, अलग अलग से झूले मंगाए हैं, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, बम्बई, हर जगह से झूले मंगाए हैं। स्टॉल भी हर जगह से मंगाई हुई हैं, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, तरह तरह की स्टॉल हैं। बाकी स्टेज खुला है हमारा, आप जैसे मर्जी डांस कर सकते हो, अपने फैमिली के साथ फुल एंजॉय कर सकते हो आप। शॉपिंग को लेकर के कोई अनोखी चीज़ें, बाहर से यूनिक चीज़ें मंगाई? खुर्जा क्रोकरी है हमारे पास और अनेकों प्रकार की स्टॉल लगी हुई हैं। खाने को लेकर जैसे भांति भांति अलग अलग स्टेटों के खाने होते हैं, इस तरह का कुछ है? हाँ जी, वृंदावन का खाना है, मथुरा वृंदावन का खाना है जी, फास्ट फूड वृंदावन का पूरा जी। हाँ जी। और जो ये झूले लगाए गए हैं इनमें सेफ्टी किट वगैरह कुछ? हाँ जी, फुल सेफ्टी है जी। एक ऑनर भी दिया जाता है, एक ऑनर है हमारे पास एक झूले का, पर पूरा ध्यान रखता है कितने नट बोल्ट ढीले हैं, क्या ढीला, सारा चेकिंग होती है सुबह शाम दोनों टाइम। अगर बात करें कि लोगों की जेब की, तो क्या उनके लिए ये एक महंगा सौदा साबित होगा या फिर उनके बजट में ही? उनके बजट में ही है सर, सारा सौदा सस्ता रख रखा है। वैसे अगर पब्लिक की सिक्योरिटी के लिए या फिर फायर को लेकर इंतजाम की अगर बात करें, तो ऐसे कुछ इंतजाम आपने पूरे किए? हाँ जी सर, फायर का हमारे पास सिलेंडर रखे हुए हैं, कोई कुछ दुर्घटना होती है तो फायर हमारे पास उपलब्ध है 24 घंटे के लिए। एनओसी जो होती है मेला लगाने के लिए, वो आपने कंप्लीट की? हाँ जी, सारी एनओसी कंप्लीट है, पूरी फिटनेस हमारे पास है, इंश्योरेंस पब्लिक का हमारे पास है, झूलों का इंश्योरेंस हमारे पास है जी। छोटे बच्चे और महिलाएं भी यहाँ आते हैं, तो क्या पुलिस की व्यवस्था, सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम है? हाँ जी सर, हमारे पास पुलिस भी है, जब कॉल करते हैं जब पुलिस हमारे पास खड़ी रहती है। तो कोई अपील करना चाहेंगे, रेवाड़ी के दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं, कुछ अपील करना चाहेंगे? मेले में आओ, अपना मेला ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आना चाहूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेला 23 दिसंबर से 26 जनवरी तक मेला रहेगा जी, आपका अपना मेला, जितना मर्जी आओ, जब आओ घूमो फिरो, मौज एंजॉय करो। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मेला प्रबंधन कमेटी के सदस्य, उनसे बातचीत करवाई और बताया कि किस तरह का यहाँ जो मेला लगा हुआ है उसका एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा कि चारों तरफ का दृश्य एक बार दिखाया जाए। यहाँ जो तरह तरह के जो मेले, यहाँ तरह तरह के जो झूले लगाए हैं, छोटे बच्चों के लिए अलग हैं, वयस्क के लिए अलग है, वहीं महिलाएं और बच्चे यहां आकर मनोरंजन भी कर सकते हैं। छोटे बच्चों के लिए भी यहां झूले लगाए गए हैं, तरह तरह के व्यंजन इन्हें परोसे जाएंगे, खाने के लिए भी तरह तरह के व्यंजनों की व्यवस्था की गई है। वहीं बात करें दूसरी तरफ सेफ्टी को लेकर, तो सुरक्षा के भी अच्छे इंतजाम किए गए हैं, झूले को लेकर सेफ्टी भी बरती जा रही है और जगह जगह आप देखेंगे कि यहाँ लाइटिंग व्यवस्था की गई है, जिससे पूरा जो मेला ग्राउंड है ये पूरा सुंदर दिखाई दे। तो ऐसे में जो रेवाड़ी के जितने भी दर्शक इस समय देख रहे हैं, वो लोग यहाँ इस हुड्डा ग्राउंड में आकर इस मेले का पूर्णतः लुत्फ उठाएं और यहाँ भारी संख्या में आए, जिससे इस सर्दी भरे मौसम में भी आप एक गर्मी का आनंद ले सकें और मनोरंजन कर सकें। रेवाड़ी से दैनिक भरोसा के लिए रवि कुमार मीणा।